वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं गुवाहाटी के प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या मंदिर में, और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड। जाने के लिए हमारी तैयारी हो रही कितनी पूरी, और मेरे भाई का था एक बाइक, उसको लेके हम चल पड़े कामाख्या की तरह। दोस्तों, कुछ काम के लिए हम लोग कामाख्या के जाने से पहले हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में चले गए थे। राइट साइड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वह है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कैंपस का एक हिस्सा। बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1948 में, जो कि है नॉर्थ ईस्ट का ओनली वन पुराना यूनिवर्सिटी। चलिए अब हम मिलते हैं डायरेक्ट कामाख्या पर। गेट से कामाख्या मंदिर का दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा, जो कि चढ़ना होता है पहाड़ में। तो हम बाइक लेके चल रहे थे, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कितना दूर है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं कितने सारी गाड़ी आ रहा है जा रहा है। हम भी चल रहे थे गाड़ी के पीछे पीछे कामाख्या के लिए, और हमारे पास था लोकेशन। फर्स्ट टाइम आए थे इसीलिए ज़्यादा मालूम नहीं था इस जगह के बारे में। तो चलिए, कामाख्या टेम्पल जिस हिल में लोकेटेड है उसका नाम है नीलाचल हिल। हिस्ट्रियंस के मुताबिक खाची और गारो लोगों ने बनाया था उसका गॉडेस के लिए। वेल, हम कामाख्या मंदिर इधर से जाते हैं, तो हम इधर व्यू पॉइंट पर रुके हैं। इधर देख सकते हो आप गुवाहाटी शहर का कुछ नज़ारा। शिलंग से कम नहीं है हमारा असम का गुवाहाटी, शिलंग से टक्कर दे सकता है। देखिए आप कितना सुंदर सा नज़ारा। बाईपास गया, हम नीचे से आ रहे हैं इधर घूमते हुए। इतना सा सुंदर सा शहर ना गुवाहाटी, क्या बताओ कामाख्या। तो चलिए अभी डायरेक्ट मिलते हैं आपको कामाख्या टेम्पल में। और कामाख्या टेम्पल बन के तैयार हो गया था बिफोर 10th century। तो यह पर शोज रखने के जगह था, और हम शोज रख के चले गए थे आगे के लिए। तो आगे आप देख सकते हैं कामाख्या टेम्पल, जो कि बिफोर 10th century से पहले बन के तैयार हो गया था, जिसको बनाया था खाची और गारो पीपल ने उनका गॉडेस के लिए। और भी जानकारी के लिए आप गूगल को फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है तो एक फॉलो कीजिएगा, और मिलते हैं आपको कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नए नए प्लेस के बारे में आपको मालूम चलेगा। थैंक यू।